हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पर। आज हम लोग CBSE क्लास 11 सेट का थर्ड क्लास पढ़ेंगे, यानी थर्ड लेक्चर। इसमें क्या पढ़ना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट का मेरा लेक्चर पहले हो चुका है, मैंने सेट बताया था क्या होता है। सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर बोला जाए आपसे कि 10 के नीचे कितने फैक्टर हैं, ठीक है, जो 10 को कटा देंगे पॉजिटिव फैक्टर, तो आप बता सकते हो आंसर, तो ये सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सेट पढ़ा था हमने, इम्पटी सेट पढ़ा था, इम्पटी सेट को नल सेट भी बोलते हैं, इसके प्रीवियस वीडियो में है। तो आज से मैं पढ़ना है सबसेट। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, सबसेट। सबसेट होता क्या है पहले ये जानेंगे। देखो सेट है तो सेट का मतलब इतना, सब मतलब उससे थोड़ा नहीं बोलते हैं, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल थोड़ा हेट, वाइस उससे नीचे, तो सेट का ही छोटा सा पार्ट है सबसेट। यानी अगर मान लो यहाँ पर कोई ऐसे लिख दिया 7, 4, 9, 8, 6, ये एक सेट है जिसका नाम ए है, इसमें से कुछ एलिमेंट ले लिया 7, 8, तो ये इसका सबसेट नहीं हो गया। देखो क्योंकि 7 इसमें है, 8 इसमें है, तो सबसेट क्या है कि सबसेट बोल रहे हैं, जैसे बी को हमने सबसेट बोला, किसका, इसका। सबसेट मतलब उस सेट का पार्ट है छोटा सा जिसमें थोड़े थोड़े एलिमेंट है, तो 7 भी इसमें है, 8 भी इसमें है, ठीक है, तो ये वाला सबसेट हो गया। तो क्या बोलेंगे, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो बी का कोई भी एलिमेंट, जैसे ये है ना, कोई भी एलिमेंट, इसका नाम ले लेते हैं एक्स, एक्स बिलोंग ए। सही बात है, सही बात है भाई। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स such that x is element of b and x belongs a। क्या ये बातें सही है, नहीं है, थोड़ा सोचो। x such that x is element of b, x जो है element है b का, तो भाई b में है, and x belongs a, क्या x a में है, तो है भाई। तो subset उसको बोलते हैं जो किसी given set के, given set से break part है, ब्रेक मतलब उसे निकाला गया है, उसमें से कुछ एलिमेंट ले लेंगे तो एक सबसेट बन जाएगा। अब अगर चाहो तो तुम 6 लेके सबसेट बना दो, एक ये बन जाएगा, ऐसे बहुत से सबसेट बन जाएंगे, 9, 8 लेके बना लो, 5 लेके एक बार बना लो, एक बार 5 भी ले सकते हो। देखो 5 जो होता है ना वो सभी सेट का सबसेट है, 5 जो होता है सभी सेट का सबसेट है। सबसेट का सेंस यही करना है, जैसे देखो अगर आप अपने गाँव में रहते हो तो गाँव के जितने लोग हैं, क्या भारत में है कि नहीं, भारत ही में है ना भाई, तो आपका छोटा सा गांव भारत का क्या हो गया, सबसेट हो गया, भारत का सबसेट हो गया यानी इंडिया का। तो योर विलेज, आपका विलेज इज सबसेट ऑफ इंडिया, है कि नहीं, थोड़ा सोचिए। आपका विलेज भारत के विलेज के सबसेट का इंडिया हो गया, ठीक है, सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंडिया, सेट ऑफ विलेज ऑफ इंडिया हो गया कि नहीं, यहाँ पे ये कर लीजिएगा, क्योंकि आप किससे कंपेयर कर रहे हो ये भी तो बताना जरूरी है। आप इंडिया के विलेज से बता रहे हो ना, तो इंडिया के विलेज बहुत से होंगे, उसमें से आपका गांव भी होगा, तो भाई गांव है ना उस विलेज में, तो आप सबसेट हो गए। अब सोचो अगर मान लो तुम्हारा क्लास है, जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, क्लास के पूरे स्टूडेंट क्या उस पूरे स्कूल में नहीं है, है ना, तो आपका क्लास यानी योर क्लास, आपके क्लास के बच्चे, योर क्लास स्टूडेंट्स इज सबसेट, सबसेट ऑफ योर स्कूल स्टूडेंट्स, योर स्कूल स्टूडेंट। बात सही है कि नहीं भाई, स्टूडेंट पूरे स्कूल कितने होंगे, 1000, तुम्हारे क्लास में 50 लोग, तो 50 लोग तो उसी में हो ना, तो ये सबसेट है। सबसेट का मतलब यही है। अब देखो सबसेट का एक सिंबल होता है, ये रहा, ऐसे सिंबल होता है, जैसे मान लो यहाँ पर कौन सबसेट है, बी है ना, तो बी को यहाँ पर लिखेंगे, और किसका सबसेट है, ए का, ये सबसेट का सिंबल है, यानी जो बी के एलिमेंट है, यानी बी के अंदर जो लोग हैं वो किस में है बाबू, ए में है, यानी बी के जो भी एलिमेंट है वो किस में है, ए में है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। सबसेट का मतलब यही है कि भाई ए जो है इतने लोग थे, उसमें से कुछ लोगों को मैंने निकाल दिया, तो सबसेट बन गया, ऐसे बहुत से सबसेट बनेंगे, ठीक है, तो ये सबसेट हो गया। सबसेट का डिफिनेशन भी होगा आपके स्क्रीन पर, ठीक है। सबसेट ये बोलता है कि जितने भी एलिमेंट्स ए सबसेट ऑफ बी, हम बोल रहे हैं, तो ए को हम मान लो 1, 2 लिखा,
बी को हमने 1, 4, 2, 9, 6 बी में इतने एलिमेंट हैं, ठीक है। बी यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये बी वाला सेट है, ये ए वाला है, ठीक है। एक चीज़ देखो, ये 1 ए में है तो यहाँ पर भी 1 है, 2 यहाँ इसमें है, यानी ए के जितने एलिमेंट हैं बी में है, तो क्या बोलोगे, ऑल मेंबर्स ऑफ ए इज इन बी, बोल सकते हैं कि नहीं, ऑल मेंबर्स ऑफ ए इज इन बी, हो सकता है, पॉसिबल है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का सिंबल है ये वाला, याद रखिएगा, ऐसे बनता है सबसेट का सिंबल, ठीक है। तो सबसेट आपने समझा, अब देखो एक सिंबल ये होता है, इसको समझ लो, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट क्या बोलते हैं, इम्प्लाइज दैट, एक सिंबल ये होता है ऐसे ऐसे, इफ एंड ओनली इफ, इसको कैसे समझेंगे, इफ एंड ओनली इफ को, तो देखो ऐसे मैं यहाँ पे एक सेट लिख दिया 1, 2 मान लो 4, 2 लिखा, फिर यहाँ पे ये ए वाला सेट है, ये बी सेट है 4, 9। अब एक चीज़ सोचो, क्या ये ए का तो 4 मिल गया लेकिन 2 मिल रहा है नहीं, तो क्या ये सबसेट होगा, नहीं सबसेट होगा, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। लेकिन अब मैं इसके उल्टा चलता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर ए को 4, 2 माना, ए को, और बी को मैंने माना 4, 2, तो एक चीज़ देखो, ए इज सबसेट ऑफ बी, आर बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी ए भी सबसेट है बी का, बोल सकते हो, या बी भी सबसेट है ए का, क्योंकि दोनों तो बराबर है, तो ये क्या बोलेगा, इफ एंड इफ ओनली, ये वाला सिंबल लेगा, ए इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर है तभी ये कंडीशन होगा। भाई मैं बोल दूँ कि एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा, ये दोनों सेट इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है किसका, ए का, भाई दोनों बराबर है, तो यह लगा इफ एंड ओनली इफ। तो अगर कोई बोल दे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए, तो कब होगा, तो बोलोगे इफ एंड ओनली इफ, जब ए बी के बराबर हो तभी ये वाला कंडीशन होगा, समझ गए, तो ये बातें याद रखिएगा, इफ एंड ओनली इफ वाला कंसेप्ट। अब दूसरा हम देख लेते हैं कंसेप्ट, ये वाला इम्प्लाइज दैट वाला, देखो अगर ए सबसेट है बी का, ठीक है, अगर ए सबसेट है बी का, तो अगर ए में कोई एक एलिमेंट है, इफ ए बिलोंग ए, यानी एक एलिमेंट ए है जो ए में है, ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स बी, करेगा कि नहीं, सोचो, करना चाहिए भाई, क्यों करेगा आप तुम बता भी सकते हो, भाई ए सबसेट है बी का, तो मान लेते हैं ए में ऐसे एलिमेंट थे, बी में ऐसे एलिमेंट थे ए बी सी, ये सेट हो गया बी, ये ए हो गए, ठीक है, तो ए तो भाई ए में है ही, तो क्या ए बी में नहीं है, है ना, तो यही इम्प्लाइज है, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, ठीक है, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाई ये करता है कि उसमें है, ठीक है, तो आपने ये समझा। अब देखते हैं आगे, अब होता है एक, जैसे मान लो आपने सबसेट तो निकालना है, कितने सबसेट बनेंगे, तो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो तुम्हारे पास सेट एक ए है, इसमें दो एलिमेंट हैं डी और एफ, इनके सबसेट बनाने हैं, तो देखो एक तो डी भी हो जाएगा अकेला सेट, सबसेट इसका सबसेट बन रहा है, देखो सबसेट ऑफ ए, तो एक डी हो गया एफ, फिर एक डी और एफ एक साथ, एक बार फाई ले लो, फाई को हम ये भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, तो कितने बने, 1, 2, 3, 4, यानी अगर एक सेट में दो एलिमेंट हैं तो कितने बन रहे हैं, 4, अगर 3 रहता तब क्या होता, देखो सेट बी, दूसरा सेट ले लेते हैं हम ए बी सी, इसमें देखो कितना बनेगा सबसेट, सबसेट मतलब समझ गया ना, गिवन सेट के पाए जाने वाले, गिवन सेट के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट के हेल्प से हम दूसरा सेट तैयार करते हैं, जिसमें एक भी हो सकता है, एक नहीं भी हो सकता है, इम्पटी भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, तो देखो वही सबसेट कहलाता है, तो ये गिवन सेट है तो कोई एक एलिमेंट ले, पहले एक एक का बना लो, अब दो दो का जोड़ा बना लो,
आपको सोचना है, जब तक थिंकिंग आपकी डेवलप होगी तो आप बहुत आगे हो जाओगे। घोड़ा बना लिए, एक थे लास्ट में, एक फाई हो जाएगा क्योंकि फाई भी लत होता है, फाई को हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा लास्ट में, एंड खुद हो जाएगा, सेल्फ। तो कहीं बोलेगा कोई सेट खुद का सबसेट है, तो है भाई, कोई सेट कुछ एलिमेंट होगा क्या खुद का सबसेट होगा, तो होगा, ठीक है। तो देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यानी एक लॉजिक लग रहा है भाई, तीन लोग हैं तो आठ, दो लोग हैं तो चार। तो लॉजिक क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर पाया जाने वाला है, और इसके नीचे टू, यही इसका फार्मूला हो जाएगा, पावर ऑफ सेट। क्या बोलेंगे, पावर ऑफ सेट। अब पावर ऑफ सेट क्या कहलाता है, जैसे कि मान लो कि सबसेट जितने बन रहे हैं ना, तो यही पावर ऑफ सेट ए है। जैसे सेट ए है तो इसके कितने सबसेट बन के तैयार हुए हैं, वही पावर ऑफ सेट ए कहलाएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, टू के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर यहाँ पर देखो दो एलिमेंट था तो टू के पावर क्या हो जाता था, टू, यानी फोर हो गया कि नहीं, आंसर सही था, एक दो तीन चार। अगर तीन एलिमेंट हो जाता तो क्या आंसर हो जाता था, टू के पावर थ्री, यानी एट। अब बातों को समझो कि पावर ऑफ सेट ए है क्या, किसी गिवन सेट के कितने सबसेट बन रहे हैं वही पावर ऑफ सेट ए है, ठीक है। तो देखो पावर ऑफ सेट ए, यानी इस सेट का पावर ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब पावर ऑफ सेट ए में आ जाएंगे, क्योंकि जितने पॉसिबल सबसेट बन रहे हैं ना, ये किस में एंटर कर जाएंगे, पावर ऑफ सेट में। तो भाई पूछ सकता है पावर ऑफ सेट ए होता क्या है, तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इज नोन एज ए पावर सेट ऑफ ए गिवन सेट। मान लो कोई सेट ए लिखा है, वन टू है, इसका पावर ऑफ सेट ए बनाना है, तो पहले तो पूरा सबसेट निकालोगे ना, पहले कितने एलिमेंट हैं, दो, तो आपको फार्मूला याद होगा कितने बनेंगे, तो दो एलिमेंट है तो टू पावर फोर बनेंगे, फोर का मतलब तो एक हो जाएगा आपका वन, ऐसे कर लेना, एक हो गया टू, एक हो जाएगा फाइव, एक खुद होगा सेल्फ। तो यही पावर ऑफ सेट ए है, ठीक है। तो पावर ऑफ सेट ए से मतलब ये है कि इट इज़ ए सेट कंटेनिंग सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, ठीक है, ये पावर ऑफ सेट है। इसको समझ लीजिएगा पावर ऑफ सेट होता क्या है, ऐसे होगा एक दो तीन चार, तो जितने पावर ऑफ सेट के अंदर के एलिमेंट हैं खुद सबसेट हैं गिवन सेट के। तो देखते हैं एक कंडीशन, जैसे कि आपके पास नेचुरल नंबर दे दिया, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर मालूम है वन से स्टार्ट होता है, वन टू थ्री ऐसे चलता जाता है, एक एक का गैप होता है, तो क्या नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होगा कि नहीं, सोचिए, होगा, क्लियर कट है कि नहीं बताइए, सोचिए। होल नंबर मतलब जीरो वन टू थ्री, तो भाई होगा, नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, लिख सकते हो ना। इसी तरह होल नंबर किसका सबसेट होगा सोचो, तो होल नंबर इंटीजर में होगा, इंटीजर में क्या क्या होता है, जीरो वन टू, माइनस पार्ट भी आ जाएगा, तो नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर। बस आपको थिंक करना है कि कौन ज़्यादा वैल्यू लिया है, उसमें से कुछ आधा लेके हम उसको सबसेट बना देंगे। अब इंटीजर किसका सबसेट होगा ये बताओ, इंटीजर आपका सबसेट किसका होगा सोचिए। देखो इंटीजर आपका होगा रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर क्यू जीरो नहीं होगा, और पी और क्यू क्या होगा, इंटीजर होगा, तो ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर किसका सबसेट होगा, रियल नंबर, किसका होगा, रियल नंबर। ये बातें कन्फर्म हो रही हैं आपको, अभी मैं समझाऊंगा छोटे से एक फिगर के माध्यम से। देखो नेचुरल नंबर वन टू, होल नंबर जीरो वन टू, इंटीजर माइनस वन माइनस टू उसमें आ जाएगा, रेशनल नंबर प्लस माइनस सब पार्ट सब इंक्लूड कर देगा, ठीक है, ठीक है, टू बाई थ्री फोर बाई थ्री सब आ जाएंगे उसमें। रियल नंबर पूरा रेशनल और इरेशनल मिलाकर, बस एक चीज़ छूट रहा होगा आपका, इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में क्या आता है, जैसे रूट थ्री, तो क्या रूट थ्री मान लो यहाँ पर लिख दिए रूट फाइव, तो क्या इरेशनल नंबर का सबसेट नेचुरल नंबर होगा, ये आपको लग रहा है ऐसे सोचिए, नहीं होगा ना भाई,
क्योंकि नेचुरल नंबर में तो सिर्फ इंटीजर है 1, 2, 3, इसमें तो वो वाला है जिसका स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं सकते हो, इसको इसलिए बाहर रखा गया है। तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। 1, 2, 3 नेचुरल नंबर, देखो यहाँ पे एक सेट दिया है नेचुरल नंबर 1, 2, 3 होल नंबर ये, ठीक है, होल नंबर वाला सेट ये है, ये रहा इंटीजर वाला, प्लस और माइनस पार्ट दोनों है, रेशनल नंबर 14/3 -6 -5 0 3 1, रेशनल नंबर भी हो गया। अब यहाँ पर रियल नंबर √3 -6, रूट रियल नंबर में सभी आ जाएंगे, रेशनल और रेशनल। देखो अब देखो नेचुरल नंबर पूरा होल नंबर में है कि नहीं है, ऐसा मैंने एक सिंपल बस समझाने के लिए आपको कि मैंने ऐसा लिख दिया नेचुरल नंबर। अगर आपसे बोल दें द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर तो होगा भाई, नेचुरल नंबर तो हो जाता है ना, तो यहाँ पे एकदम कंफर्म हो रहा है। आप मिला लीजिएगा एन बिलोंग टू होल नंबर, होल नंबर बिलोंग टू इंटीजर, इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ क्यू, क्यू इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब बात आती है एक इरेशनल नंबर का सेट, तो वो भी लिख लो, इरेशनल नंबर का सेट तो इसको लिख लो, बस यही है, ठीक ठीक लिख लिया हमने। तो इरेशनल नंबर किसका सबसेट होगा, देखो इरेशनल नंबर सबसेट ऑफ रियल नंबर, बस रियली नंबर में ना होगा और सब में तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये बातें आपने इतनी समझ ली तो कोई भी आपसे पूछेगा नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, यस, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, यस, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, यस, रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, यस, इरेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, यस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन बोल दें एक्स एक सेट है एस, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर, एक्स की वैल्यू रियल नंबर से बिलोंग कर रही है, ठीक है, और बोल दें एंड एक्स इज ग्रेटर देन टू लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है, लेस देन 4, ठीक है, इतनी बातें बोल दें आपसे, यानी एक्स एक रियल नंबर है और एक्स की वैल्यू 2 और 4 के बीच में है, तो आप सोचो कि भाई 2 तो है नहीं, 4 को भी नहीं लेना है, लेकिन रियल नंबर है, तो आप पहले एक नंबर लाइन ड्रा करके सोचो, अगर ये 0 है, 1 है, 2 है, 3, ठीक है, इतनी बातें कंफर्म होती हैं, लेकिन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, इसको नहीं लेना है ना इसको लेना है, बस यहाँ से यहाँ तक होगी, होगी कि नहीं, होगी कि नहीं, यानी 2 को नहीं लेना है ना 4 को लेना है, यानी 2 को कैंसिल कर देना है 4 को कैंसिल कर, तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, एक सेट है भाई रियल नंबर का सेट है, तो आप जानते हो दो नंबर के बीच में जैसे 2 और 3 के बीच में बहुत से रियल नंबर होंगे, तो इसके लिखने का तरीका क्या होगा, देखो ऐसे लिखेंगे, एक होता है ओपन इंटरवल, ओपन मतलब खुला होगा, इसका मीनिंग भी बस समझ लो क्या होता है, देखो ये ओपन इंटरवल कहलाता है, इसका मतलब छोटा वाला ब्रैकेट से, तो ये 2 पे डिफाइन नहीं है, यानी 2 की वैल्यू को नहीं लेना है, तो यहाँ पे क्या इसका मीनिंग होगा, इम्प्लाई दैट नॉट 2 एंड नॉट 4, ना ही 2 को लेना है ना ही 4 को लेना है, और इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको लेना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन यही होगा, यहाँ पर गोला बना दीजिएगा, बस 2 और 4 के बीच में होगा, तो इसको कैसा बोलेंगे, ओपन इंटरवल, क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल ए और बी, इसको मान लो ए है, इसको मान लो बी, तो ओपन इंटरवल में है, तो आपका जो सेट बनेगा इसी के बीच में बनेगा, ए और बी के बीच में। अगर आपको इसका लेंथ बताना है कितना लेंथ होगा, तो आप कुछ मत करिएगा, बी माइनस ए यही इसका लेंथ होगा, ठीक है, यानी कितने उसके अंदर एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो ये हो गया ओपन इंटरवल। अब देखो यही क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, यहाँ पर बोल देगा एक्स इक्वल टू 2 एक्स इक्वल टू 4, यानी 2 भी हो 4 भी हो, तो उस समय आपका लाइन ग्राफ चेंज हो जाएगा, वाई 2 हो तो देखो सीधे 0, 1, 2, तो 2 को भी लेना है, यानी ये भी रहेगा 4 भी रहेगा, तो पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी, ठीक है, यानी 2 को भी इंक्लूड करिए और 4 को भी इंक्लूड करिए, तो यहाँ पे एक बड़ा सा ऐसे ब्लैक मार्क बना देना, उसमें तो ओपन खुला हुआ रखना था,
तो इसमें क्या हो जाएगा, टू भी है फोर भी है, यानी क्लोज इंटरवल है, ठीक है। अब इसी तरह मान लो यहाँ पर सिर्फ हटा दिया इसको, तब क्या हो जाएगा, तब नंबर लाइन बनाओ 0 1 2 3 4, टू नहीं है तो टू पे गोला मारो, फोर है फोर को लेना है, तो ये हो गया पूरा लाइन, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट टू बट फोर, हो गया कि नहीं। इसका मतलब होता है बड़ा वाला ब्रैकेट लेकिन क्लोज इंटरवल, यानी फोर पर डिफाइन है, इंक्लूड फोर, ये बताता है इंक्लूड मतलब फोर शामिल है, इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब देखो अब क्या हो सकता है, एक और कंडीशन ये हो सकता है कि टू हो फोर ना हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देखो फोर ना हो तो फोर पर गोला ऐसे लाइन खींच दो, यानी टू को लेना है तो ये वाला ब्रैकेट, और कहाँ तक लेना है, फोर तक, फोर को नहीं लेना है, बस फोर के पास जाना है, तो इसलिए ओपन इंटरवल, ओपन है ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, क्लोज मतलब टू और फोर को भी ले रहे हैं। एक और क्या मैं बनाया था उसको भी बना दे रहा हूँ कि आपको डाउट्स ना हो, भूलोगे नहीं, ठीक है। ये मैंने पहले ये बनाया था 0 1 2 3 4, यानी टू को भी नहीं ले रहे थे फोर को भी नहीं ले रहे थे, तो आंसर क्या था, टू और फोर, इतने मैंने बनाए थे, ये ओपन इंटरवल कहलाता है। लिखा है ना इंटरवल एस सबसेट ऑफ आर, यानी R मतलब रियल नंबर, उसका सबसेट लेना है, सबसेट मतलब जो R के अंदर पाए जा रहे हैं, तो देखो टू नहीं होगा ना फोर होगा, लेकिन इसके बीच वाले होंगे, टू होगा फोर होगा, टू नहीं होगा लेकिन फोर होगा, टू होगा लेकिन फोर नहीं होगा, और इसके बीच वाले सभी होंगे क्योंकि रियल नंबर का बात हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ें आपने समझा इंटरवल का मीनिंग क्या है, तो कोई आपसे पूछ सकता है ऐसे लिख कर कि एक्स ऐसे ही लिख देगा, अब बोलेगा नंबर लाइन पर डाक करो, आप इंटरवल बना के दिखाओ, तब इंटरवल बना के दिखा दोगे, ठीक है। सबसेट मतलब समझ गया ना, किसी गिवन नंबर से निकला हुआ एलिमेंट जो उसमें पाया जाता है, और उसके हेल्प से हम दूसरा सेट बना लेते हैं, ठीक है। इंडिया में आपका एक छोटा सा विलेज है, योर विलेज आपका गांव है, इसी में बलियां हैं, बलियां, ठीक है, इसी में यूपी है, तो यूनिवर्सल सेट इंडिया हो गया ना। यूनिवर्सल मतलब ऐसा सेट जिसमें कि अदर सबसेट इसी में हो, यानी इसके पार्ट हो, जैसे इंडिया को पूरा ले लो यूनिवर्सल, उसमें हो जाएगा अहमदाबाद, कलकत्ता, गांव आपका, ये सब सबसेट हो जाएंगे उसके, ठीक है। तो यूनिवर्सल मतलब पूरा है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा यूनिवर्सल सेट। जैसे इस एग्जांपल समझो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर आपने एक लिया, फाइव लिया, ऐसे बहुत से ले लिए, तो ये वाला यूनिवर्सल सेट है इनके लिए, है कि नहीं, एक वन उसी में है, फाइव भी उसी में है, वन और फाइव सबसेट भी है इसके, और ये यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनिवर्सल का सिंबल यू होता है, ठीक है, समझ गए बात को, यूनिवर्सल मतलब नाम ही से मतलब पूरा, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं एक्सरसाइज 1.3 का। देखिए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन होगा, पहला मैक करेक्ट स्टेटमेंट बाई फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट आर नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है, तो आप कर लोगे भाई, जो एलिमेंट उसमें है तो बोल दोगे सबसेट है, नहीं है तो सबसेट नहीं है। इसका मैं एक थर्ड वाला कर रहा हूँ, ठीक है, देखिए वन का थर्ड एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट है ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का है, ठीक है, तो आपको बताना है, यहाँ पे दिया है भरने के लिए, और आगे लिख दिया है एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपको क्वेश्चन भी दिखा होगा योर स्कूल, तो भाई एक्स ऐसा है कि एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, क्लास 11th का स्टूडेंट है, तो क्या वो स्कूल का नहीं होगा, स्कूल में तो ही पढ़ रहा है भाई, जिस स्कूल में पढ़ रहा है आपके स्कूल में होगा, तो सबसेट है, तो ये वाला आपका यूनिवर्सल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा छोटा वाला, तो ये सबसेट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, तो ये भी आप कर लोगे, ठीक है, ट्रू और फॉल्स का मतलब कौन सही है कौन गलत है, सबसेट है, सबसेट है कि नहीं, उसी के बेस पर है, तो इसमें आप पहला ट्राई करोगे तो मालूम चलेगा कि सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, आप ट्राई करिएगा, सब चीज़ें हो जाएंगी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, इसमें भी आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है, तो ये भी आप कर लोगे। ठीक है भाई, जो चीज़ उस सबसेट के अंदर है तो आप बता ही सकते हो कौन कौन है कौन कौन नहीं है। थर्ड वाले में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, एक क्वेश्चन है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको देखिए लिखा क्या है कि एक सेट ए है, ऐसे लिखा गया, तो अब आपसे बोला जाए इसका सबसेट बनाओ, तो कैसे कैसे सबसेट बनाओ, देखो एक दो तीन चार, चार लोग हैं तो टोटल कितना होगा, 2 to the power 4 पावर ऑफ सेट ए, यानी कितने सबसेट बनेंगे, 16 बनेगा। लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है, देखो ये वन इस सेट के अंदर है, लेकिन बोलोगे वन बिलोंग से, मैं उसको समझा रहा हूँ, कंसेप्ट समझिए, वन बिलोंग ए लिखोगे, टू बिलोंग है, ऐसे लिखोगे। लेकिन जब सबसेट की बात आएगी तो कैसे लिखोगे, ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, समझ गए ना, वन इज ए सबसेट ऑफ ए, ऐसे बोलते हैं, टू इज ए सबसेट ऑफ ए। तो इसको क्या बोलोगे बाबू, यही बस पॉइंट समझना था, यहाँ पे लगा है तो एक और लगाओगे तभी सबसेट आपका होगा। क्योंकि देखो ये जो 3 है ये 4 है ये बस अभी बिलोंग्स कर रहा है, उसका एलिमेंट है ना। सबसेट लिखने के लिए आपको एक कर्ली ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, तो बात समझ गए। तो इसी के बेस पर होगा ये क्वेश्चन पूरा, ये वाला आइडिया बस रखिएगा, एक कर ली के बाद एक और लगा भाई, ये तो अभी बस उस सेट के अंदर रहने वाला है ना, इसका सबसेट हम बनाएंगे ना, रहना भी ये पड़ेगा। ठीक है ठीक है, अब क्या लिख सकते हो, 3 इज ए सबसेट ऑफ ए, क्या 3 ए का सबसेट होगा, सोच के बताइएगा, 3 ए का सबसेट होगा, सोचिए अगर फॉलोइंग सेट, यानी ए के जितने सबसेट हैं लिख डालो तो लिख लोगे भाई, एक है तो 2 ही बनेगा, ऐसे मैं एक बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का है, एक सेट ए है जिसका नाम ए है, इसका बोला है सबसेट बताओ, तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है, तो पावर ऑफ सेट ए क्या होगा, 2 to the power 1, यानी 2 लोग होंगे, 2 का मतलब एक खुद होता है और एक बेचारा 5 होगा, 5 को ऐसे भी लिखते हो। ठीक है, इम्पटी सेट, इम्पटी सेट सबका सबसेट है, और बाकी सब आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट हैज़ पावर ए इफ़ ए इज इक्वल टू 5, यानी ए एक ऐसा सेट है जिसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो पावर ए में, पावर ए मतलब पावर सेट ए, पावर सेट ए क्या बताता है, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ए गिवन सेट। पावर सेट क्या है भाई, कलेक्शन ऑफ सबसेट है किसी सेट का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पावर ऑफ ए बताना है आपको। ठीक है, क्या होगा इफ़ ए की वैल्यू 5 है, यानी ए में कुछ नहीं है, इम्पटी सेट है, क्या है, इम्पटी सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0, तो पावर सेट क्या बनेगा, किसी नंबर का पावर 0 लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1, तो इसका पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो पावर सेट ऑफ ए इज़ 1 एलिमेंट, तो कैसे लिखोगे, ऐसे ब्रैकेट बनाओगे, एक ही होगा तो एक का मतलब 5 खुद होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।